विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा दशम वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन शनिवार को इंदौर के रविन्द्र नाट्य गृह में किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पेंशनर्स और उनके बच्चों को सम्मानित किया। इंदौर के रविन्द्र नाट्य गृह में विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा 10 वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पटेल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पेंशनर और उनके बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्युत मंडल पेंशनर्स को 27 महीने के एरियर के साथ ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा देने का ऐलान भी ऊर्जा मंत्री ने मंच से किया। इस अवसर पर संगठन सचिव अश्विनी पांडे और सचिव आरसी सोमानी ने बताया कि विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन का यह 10वां वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो मैंने भाषण में रेफर किया वो तो केंद्रीय संशोधन के बारे में सुनने में आ रहा है कि कुछ केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन करना चाहती है। ये सुपरफिशियल बात है, सुनी हुई बात है, तो वो अपनी जगह है। हम मध्य प्रदेश में, हमारा लक्ष्य है कि निर्बाध बिजली 24 घंटे और 10 घंटे एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजली मिले। इसमें कई बार एग्रीकल्चर सेक्टर में ये देखने में आया है कि एक या डेढ़ घंटे का कभी फॉल्ट आ जाता है, फिर उस 24 घंटे में उसको लाइट किसान भाई को नहीं मिल पाती, वो अगले 24 घंटे पर चली जाती है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी भी फीडर पे फॉल्ट रिपोर्ट होता है तो जितने समय हमारा वो फीडर बंद रहा है उतनी बिजली अगले 24 घंटे में हम उसको दें, ताकि जो 10 घंटे का हमारा प्रॉमिस है वो हम पूरा करें, या फिर उसी 24 घंटे में अलग स्लॉट में दें। तो ये अभी इस पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। हमने सारे कंपनी के MD से और सभी जो हमारे SEs हैं सर्कल के प्रभारी और CEO से इसमें रिपोर्ट मांगी कि किस प्रकार से हम ये काम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें डिसीजन लेंगे। साथ साथ ही मध्य प्रदेश की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जिसने अच्छी रिकवरी इस वित्तीय वर्ष में की है और मेरा मानना है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। अभी तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर पूरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद ही सही साठ मालूम पड़ेगा, पर जो अभी तक की रिपोर्ट है अच्छी है और नवंबर माह में हमारा रिकॉर्ड 2000 करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश में हुआ और उसमें करीबन 800 करोड़ से ऊपर 800 करोड़ से ऊपर इंदौर की कंपनी ने किया, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले समय में हम स्मार्ट मीटरिंग करें। उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, देवास और खरगोन में हम आने वाले समय में स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ताकि जो मीटर रीडिंग के कारण कई जगह बिलों की समस्या आती थी या और भी जो चुनौतियाँ आती थी उनको हल किया जा सके। आज का जो आयोजन था, इसका आयोजन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन इंदौर द्वारा किया गया था। हमारी इंदौर शाखा के आज की तारीख में 3300 से ज़्यादा सदस्य हैं। हमारा ये जो कार्यक्रम होता है हर साल जनवरी में आयोजित करते हैं, इसमें 75 साल की आयु जो पेंशनर प्राप्त कर लेते हैं उनका सम्मान किया जाता है। पेंशनर के परिवारों में जिन बच्चों ने विशेष उपलब्धि हासिल की हो, खेल के क्षेत्र में हो, क्रीड़ा के क्षेत्र में हो, या किसी स्वास्थ्य के, समाज सेवा के, उनका सम्मान करते हैं। इसके साथ साथ अगर पेंशनर साथियों ने भी किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं, साहित्य में या किसी भी क्षेत्र में, उनका भी सम्मान किया जाता है। आज के आयोजन में हमने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को आमंत्रित किया था, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, आए और ऊर्जा मंत्री जी के सामने हमने जो 2-3 प्रमुख मांगे हैं पेंशनर्स की, वो रखी कि 27 महीने का एरियर मिले, सभी बैंकों से एक कोऑर्डिनेट करके ऐसी नीति बनाई जाए कि पेंशनरों को बैंक से पेंशन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं रहे। और इसके साथ साथ आज एक बड़ी उपलब्धि और हुई है कि जो अभी तक पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए बार बार रीजनल अकाउंट्स ऑफिस या बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रद्धेय सोमानी साहब ने ये विचार 1.5 साल पहले प्रबंध निदेशक पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के समक्ष रखा था और उस पर उसी समय से कार्य योजना प्रारंभ हो गई थी। समिति में श्रद्धेय सोमानी साहब भी सदस्य थे और ये बहुत खुशी की बात है कि आज उस ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट देने की योजना का माननीय मंत्री जी के उपस्थिति में शुभारंभ हुआ है। हमारे जो साथी हैं जो 75 साल के, 80 साल के, 90 साल के, उन लोगों को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहीं पर पास के कियोस्क पे या हमारा एसोसिएशन उनके घर पे जाके उनका जीवित रहने का वेरिफिकेशन करवा सकेगा। आधार से वो लिंक है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जीवन
प्रमाणीकरण की एक योजना है, उसके हिसाब से सभी को लाभान्वित होगा और जो कागजातों का काम है वो भी इसमें समाप्त हो जाएगा। मुझे खुशी है कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी प्रदेश में पहली ऐसी कंपनी है जिसने ये प्रारंभ कर दी है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि मैं भी उस कमेटी का एक मेंबर था और लगातार 2 साल से जो प्रयत्नशील था उसमें हमको सफलता मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।